योगी जी के आने का एक अलग माहौल है सिमरिया के अंदर। मैं हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, वो कह रही हैं लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरिया में और हमारे साथ हैं सिमरिया के मौजूदा विधायक और वर्तमान बीजेपी उम्मीदवार केपी त्रिपाठी जी। केपी त्रिपाठी जी के चुनावी दौरों के साथ साथ उनके चुनावी अनुभव और 5 वर्षों के किए गए कार्यों के रिपोर्ट कार्ड की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका द खबरदार न्यूज पर, और हम यही पहला सवाल करेंगे कि आपके सिमरिया में योगी जी का आगमन होने वाला है, तो उस चीज़ को लेकर के किस तरीके की समीक्षा बैठकें चल रही हैं और उनके आने से कैसा उत्साहवर्धन? योगी जी के आने का एक अलग माहौल है सिमरिया के अंदर, और लोग कल की तैयारी कर रहे हैं कि योगी जी आएंगे तो उनके सभा में बढ़ चढ़ के उनको सुनने का लोगों में एक अलग क्रेज है, और हमारी पार्टी के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं योगी जी, और सिमरिया के लोग इसको बहुत सकारात्मक ढंग से ले रहे हैं, बड़ा उत्साह है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सिमरिया से ही त्योथर और सिरमौर के दौरों पर थे, तो उस दौरान भीड़ थोड़ा सा कम दिखाई दी थी, लेकिन ये कार्यक्रम एक तरह के से हम माने 3-4 विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र कार्यक्रम योगी जी का हो रहा है, तो क्या भीड़ और जो तो लोगों का जनसैलाब उमड़ने की संभावना नहीं? ये गलत बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके 3 विधानसभाओं में कार्यक्रम थे, सुबह से लेकर दौरे पे थे। मेरी विधानसभा में 3 कार्यक्रम थे, हर विधानसभा में लगभग 3-3 कार्यक्रम, तो इसलिए वो वर्कर्स को के साथ साथ लोगों को चार्ज करने आए थे, इनके एक कार्यक्रम है, तो भीड़ उतनी ही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए उससे एक माहौल बना, फिर मुख्यमंत्री जी आए तो उस माहौल में और उठाव आया। अब चुनाव नज़दीक है, योगी जी आएंगे तो और 4 चांद लग जाएंगे। लगातार एक्सीलेटर दिए जा रहे हैं जो तो बार बार छो तो कार्यकर्ताओं के लिए। बिल्कुल, सिमरिया में हम विराट जीत की ओर अग्रसर है। और लाडली बहना योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, ना सिर्फ सिमरिया, ना सिर्फ रीवा, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के नज़रिए से, तो लाडली बहनाओं का अपने लाडले भैया के लिए क्या योगदान दिखाई दे रहा है इस चुनाव में और कितना असरकारी हो रहे हैं? बहुत असरकारी है, सभी बहनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देती हैं। मैं हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, वो कह रही हैं कि वो भैया है जिन्होंने हमारी बहनों का मान बढ़ाया है, वो पूरे मन से मन बनाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, शिवराज भैया को वोट करना है। और इसके साथ ही अब अगर हम सिमरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पुरुष मतदाता है वो किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा नाराज नजर आते हैं, उसके पीछे के प्रमुख कारण क्या देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है, पुरुष मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, हर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी विशाल जीत की ओर अग्रसर है सिमरिया में। अभी पूर्व के दिनों की ही बात है, आपके सिमरिया में एक परिवार पर हमला हुआ, उस पर आपने जो तत्काल संज्ञान लेते हुए उस परिवार से मुलाकात की, क्या उस मामले को लेकर क्या? लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। चुनाव एक उत्सव है और उत्सव को बहुत सकारात्मक ढंग से और बहुत सकारात्मक तरीके से मनाना चाहिए। जो लोग हिंसा पे उतारू होते हैं उन लोगों की कुंठित मानसिकता प्रदर्शित हो रही, और कांग्रेस के लोगों ने ये सारे काम किए थे, तो निश्चित रूप से जनता कांग्रेस के लोगों को सबक सिखाएगी और हिंसा को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी जनता से मरिया की। पत्रकारों का भी एक तबका है जो कहीं ना कहीं आपसे नाराज दिखाई देता है, तो उसकी नाराजगी के पीछे का कारण और मतलब आप अपने माध्यम से उन्हें क्या संदेश दें? नहीं, तबका कुछ नहीं, 1-2 लोग हैं और वो हमारे जो विपक्ष में कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उन्हीं का शायद चैनल है, बस बाकी और कोई नहीं। तो ये थे हमारे साथ विधायक केपी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।